अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर थे। अचानक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराना शुरू किया, यहाँ तक के मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस दांत मुबारक जाहिर हो। और सहाबा फरमाते हैं, जब हुजूर मुस्कुराते तो दांतों से ऐसा नूर निकलता था कि मस्जिद नबवी शरीफ की दीवारें भी रोशन हो जाती। हुजूर मुस्कुराए तो सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, किस बात पर आप हंसे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दो उम्मती कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे और उनमें से एक अर्ज करेगा, या अल्लाह, इस मेरे भाई ने मुझ पर जुल्म किया था, मेरे ऊपर इसने जबर किया था, तो मुझे अपना हक इससे लेकर दिया जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस शख्स से फरमाएगा कि अपने भाई को इसका हक दो। फर्ज करेगा, मालिक मेरे पास तो कोई नेकी बची नहीं, कहां से हक दूं? तो अब वो जो मुद्दई है, जो दावा कर रहा है कि मेरा हक इससे लेके दिया जाए, वो अर्ज करेगा, मालिक फिर मेरे गुनाह ही इस पर डाल दिए जाए। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, जनाब अंस बिन मालिक फरमाते हैं, लेकिन इस बात पर आकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो बड़ा हौलनाक दिन होगा कयामत का। लोग उस दिन तलाश करेंगे कि कोई ऐसा शख्स हमें मिले, जरूरत महसूस करेंगे कि जो हमारा बोझ उठाए। अब वो शख्स अर्ज करता है, मालिक मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है और ये कह रहा है मेरे गुनाह ही इस पर डाल दिए जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस मुद्दई से फरमाएगा, जरा सर तो उठा, जन्नत की तरफ को देख। तो वो जन्नत की तरफ सर उठाकर देखेगा और देखकर अर्ज करेगा, मालिक मैं एक चांदी का शहर देख रहा हूं जिसमें सोने का महल बना हुआ है, हीरे जवाहरात से मुरस्सा है वो महल। ए मालिक, कौन इसका मालिक बनेगा, ये किसको मिलेगा? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जो इसकी कीमत अदा करे। तो अर्ज करेगा, मालिक इसकी कीमत कौन अदा करेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, तू भी इसका मालिक बन सकता। तो बड़े तजस्सुस से, बड़े शौक से अर्ज करेगा, मालिक मैं कैसे मालिक बन सकता हूँ? अल्लाह फरमाएगा, तो अपने भाई को माफ कर दे, मैं तुझे उस महल का मालिक बना देता, कर दे माफ अपने भाई, दरगुजर कर अपने भाई से, भूल जा इसकी खताओं को, कुछ देर के लिए छोड़ दे जो इसने गलतियां की, तू माफ कर दे इसे और मैं उस महल का तुझे मालिक बनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो फौरन अर्ज करेगा, मालिक मैंने अपने भाई को माफ किया। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, इसका हाथ पकड़ और फिर इसे जन्नत में साथ ले जा, जा गोया मैंने उसे भी जन्नत दी। यहाँ शारहीन हदीस ने लिखा है कि ये जिसको कहा जा रहा है कि इसको पकड़ के जन्नत में ले जा, अगरचे इससे गलतियां हुई लेकिन बाद में इसने तौबा सच्ची की, इसने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के माफियां मांगी, इसने कोशिश की हक अदा करने की, लेकिन अगर कुछ कमियां रह गईं तो चूंकि सच्चा था, अदा करना चाह रहा था, कुछ बातों पे पहुंच ना सका, तो आज अल्लाह तबारक व तआला इसकी तरफ से लोगों को सिला अता कर रहा है। अल्लाह फरमाते, इसका हाथ पकड़ और जन्नत में ले जा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नतीजे के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर यहां एक बात इरशाद फरमाई, हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह ताला से डरो और बाहमी मामलात दुरुस्त रखो, अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन मोमिनों में सुलह कराएगा। तो तुम यही अपने मामलात को दुरुस्त रखो। अब मुझे बताइए, एक तो ये नतीजा निकला कि मालिक करीम कितना है, मेहरबान कितना है, तौबा करने वाले पर अता कितनी। दूसरा, हुजूर की इल्म हिकमत की इस गुफ्तगू से समझिए कि अल्लाह दरगुजर करने वाले को अता कितना करता है, और फिर यह भी देखिए कि सुलह कराना कितना मुकद्दस काम है। दो भाइयों को मिला देना, करीब कर देना, रूठे हुओं को एक दूसरे के करीब करना कितना अजीम काम। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस खूबसूरत बात से, इस इंतहाई माना खेज हदीस से अपने लिए मोती हासिल करें, दिल को बड़ा करें, सीने में गुंजाइश पैदा करें और अपनों के लिए दरगुजर का दरवाजा खोलें। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।